यह 2021 का थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ लॉन्च होने वाला है। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनीज अपकमिंग आईपीओ। हेलो एंड वेलकम टू कोटक सिक्योरिटीज, आई एम इंदु चौधरी। आज थोड़ा कंटेंट का फ्लो चेंज करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्रमोटर्स के बारे में। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट्स इंडिया LLP एंड वेस्ट ब्रिज AIF कंपनी के प्रमोटर्स लिस्ट में शामिल है। इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो अलग अलग कस्टमर सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन एज वेल एज पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, इन सबको इन्होंने टारगेट किया है। अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझते हुए इन्होंने फैमिली फ्लोटर प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैटेगरी तैयार की है। फिस्कल 2018 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक कंपनी ने 56 न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। स्टार हेल्थ इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 15.8% इन द इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इन फिस्कल 2021। इसी दौरान रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में 31.3% मार्केट शेयर इस कंपनी ने अक्वायर किया है। कंपनी प्राइमरली रिटेल हेल्थ एंड ग्रुप हेल्थ सेगमेंट में फोकस कर रही है। फिस्कल 2021 की अगर हम बात करें तो कंपनी के टोटल ग्रॉस रिटेन प्रीमियम में 89.3% हिस्सा आया रिटेल हेल्थ से और 10.7% ग्रुप हेल्थ से। ग्रॉस रिटेन प्रीमियम का ये मतलब होता है कि जितना प्रीमियम कंपनी ने अपने कस्टमर से रिसीव किया है। इनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ फिलहाल करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इंडिविजुअल एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट बैंक्स और अदर कॉर्पोरेट एजेंट्स के जरिए कंपनी अपने पॉलिसीज लोगों तक पहुंचा रही है। 31 सितंबर 2021 तक कंपनी ने 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में कुल 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेस खोल रखे हैं। 11,778 हॉस्पिटल्स के साथ करार करके स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने इंडिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल नेटवर्क भी तैयार किया है। ये बात हम सब जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्लेम्स प्रोसेस करना इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ कस्टमर्स एक्सपीरियंस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट हुई है तब से लेकर 30 सितंबर 2021 तक इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 67 लाख क्लेम्स को प्रोसेस्ड किया है। कोविड-19 की वजह से कंपनी के टोटल नेट पेड क्लेम्स फिस्कल 2021 में 30% और 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2021 तक ये 41% रहे हैं। 31 मार्च 2019, 2020 एंड 2021 में अगर हम देखें तो कंपनी ने 43 लाख, 51 लाख एंड 70 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू किए हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के बीच सबसे हाईएस्ट नंबर्स हैं। अब आगे ये कंपनी किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करने वाली है ये जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में जैसा हमने आपको बताया कि एक मार्केट लीडरशिप है और इसी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में कंपनी का फोकस है। सेकेंड, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उनको और कैसे डेवलप किया जाए और अल्टरनेटिव चैनल्स क्या इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं ये भी कंपनी सोच रही है। थर्ड पॉइंट, कंटिन्यू प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज। इनके अलावा डिजिटाइजेशन के थ्रू बिजनेस को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे ऑपरेशंस और इनके एफिशिएंसीज को बढ़ाया जाए ये भी कंपनी के की स्ट्रेटजी पार्ट का एक हिस्सा है। ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी बाय लेवरेजिंग स्केल एंड फर्दर इम्प्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इनके अलावा कोविड-19 की वजह से जो चैलेंजेस सामने आए हैं और पोस्ट कोविड-19 जो एनवायरमेंट पूरा चेंज हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं ये भी कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल कर चुकी है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो FY19 में कंपनी के पास टोटल इनकम 226 करोड़ रुपीस का था, लेकिन FY21 में आते आते हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स में चेंज हो गए क्योंकि कोविड-19 की वजह से कंपनी के बिजनेस पर साफ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सेम सिचुएशन नेट प्रॉफिट में भी है। पहले FY19 एंड FY20 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो पॉजिटिव था, लेकिन FY21 में यहाँ पर भी नेट लॉस ही दर्ज किया है कंपनी ने कोविड-19 की वजह से। EPS की बात करें तो सेम इम्पैक्ट यहाँ भी है। FY19 में 2.81 था, FY20 में 5.59 था, लेकिन FY21 में ये गिरकर नेगेटिव नंबर्स में चले गए और 16.54 रहा है अर्निंग पर। ये बात हम सब जानते हैं कि इस पैंडेमिक ने हमें हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को समझाया है।
और इससे हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड 19 जो सर्कमस्टेंसेस है, जो डिमांड है इंश्योरेंस को लेकर, वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये देखना भी जरूरी है कि आने वाला समय हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कैसा हो सकता है, क्या फ्यूचर आउटलुक निकल कर सामने आ रहे हैं इस सेक्टर के। फिसल के रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 4 सालों में ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का 18% CAGR की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। वही टोटल प्रीमियम में भी 2 गुनी बढ़ा देखने को मिल सकती है और ये 583 बिलियन से बढ़कर 1150 बिलियन तक पहुंच सकता है फिस्कल 2025 तक। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस का IPO 30 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है और 2 दिसंबर तक ये IPO खुला रहेगा। फ्रेश इशू के जरिए 2000 करोड़ रुपए कंपनी रेस करना चाहती है और ऑफर फॉर सेल 5.83 करोड़ इक्विटी शेयरों का है। IPO साइज 7249 करोड़ रुपीज का है जिसमें प्राइस बैंड 870 से 900 पर इक्विटी शेयर तय किया गया है। मिनिमम लॉट 16 शेयरों का है। तो ये थी पूरी डिटेल स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के आने वाले IPO के बारे में। हमने इस कंपनी के मैनेजमेंट से भी बातचीत की है, ऊपर एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आप सीधे इस वीडियो में पहुंच जाएंगे और आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है आगे के लिए और लिस्टिंग के बाद वो क्या क्या कदम उठा सकते हैं कंपनी को और ज्यादा ग्रो करने के लिए। सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। और कोटक सिक्योरिटीज के साथ अपकमिंग IPOs की पूरी डिटेल्स जानने के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.